हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने ब्रिटेन के साथ हुए 10 समझौतों को लेकर बयान दिया। इस समझौते से जहां हरियाणा को 1500 करोड़ रुपए का फायदा होगा, वहीं बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। वहीं इजरायली यात्रा को लेकर भी मनोहर लाल खट्टर ने अपनी बात कही। इजरायल के राष्ट्रपति महोदय से भी मेरा मिलना हुआ और उन्होंने अपना जो गोंडा का दौरा था, 2017 में गोंडा आए थे और उन्होंने अपनी उस यात्रा का खूब अच्छे से वर्णन किया और बहुत ही उन्होंने उत्सुकता दिखाई। उत्सुकता इस बात से नज़र आती है कि उनका एक टीवी साक्षात्कार चल रहा था, क्योंकि आजकल इसराइल की गतिविधियां थोड़ी अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां भी बढ़ी हुई हैं, तो उस टीवी इंटरव्यू को लंबा होते हुए देख करके उन्होंने बीच में छोड़ करके ही, जो मेरा समय तय था उनके साथ मिलने का, उस टीवी साक्षात्कार को छोड़ करके वहाँ से आए। एक दिन का वहाँ एग्रोटेक जो टेक एग्जीबिशन और उनका जो समिट है, वास्तव में जिस निमंत्रण के कारण से मुझे ये दिन वहाँ के लिए चुनने पड़े थे, तो वो एक एग्रोटेक समिट था। वहाँ के लोगों ने मुझे इन्वाइट किया था, जब वो यहाँ आए थे वहाँ के जो हाई कमिश्नर, वहाँ के जो एम्बेसडर हैं, तो उस निमंत्रण पर एक दिन का अवसर उस समिट को भी देखने का मिला। वहाँ की जो एग्जीबिशन है उसमें कृषि और अन्य जो उपकरण हैं बागवानी के, इरिगेशन के, वो सारे उपकरण भी वहाँ देखने को मिले। बहुत अत्याधुनिक एक प्रकार की उनकी टेक्नोलॉजी ये वहाँ। आपको बता दें कि मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कई और अहम मुद्दों को लेकर इसराइल के राष्ट्रपति से बातचीत हुई है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।